हेलो फ्रेंड फ्रेंड आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है। तो सब पोर्ट फॉरवर्डिंग इट मीन्स कि जो आप पोर्ट यूज कर रहे हैं उसको फॉरवर्ड करके किसी अनदर पोर्ट पे आपको एक्सेस मिले। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि हम आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हम क्या है कि कभी ऑफिस में रहते हैं कभी ऑफिस में नहीं रहते, फिर भी हमें सर्वर का सपोर्ट देना होता है। हमें सर्वर सपोर्ट एक्सेस करके उसे कुछ जो भी मेंटेनेंस करनी है या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, व्हाटएवर, चाहे बैकअप लगाना हो, चाहे शेड्यूलिंग करनी है, चाहे बहुत सारे काम होते हैं। तो कभी कभी हम घर होते हैं तो वर्क फ्रॉम होम होते हैं या अदर कंट्री होते हैं, तो उस समय हम अपने कहीं से भी बैठ के वर्ल्ड वाइड अपने सर्वर को एक्सेस कर पाएं थ्रू रिमोटली या अदर वे में, तो उसे हम कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग करना। पोर्ट फॉरवर्डिंग करना जैसे कि अभी हम इसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे आरडीपी के लिए। तो आरडीपी का जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है 3389 होता है, राइट? बट ये तो हर किसी को पता है कि 3389 ये डिफॉल्ट पोर्ट होता है आरडीपी के लिए, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के लिए। अगर हमें अपने सर्वर का रिमोट लेना है तो हम जस्ट क्या करते हैं, अब आईपी डालते हैं उस सर्वर का और कनेक्ट हो जाते हैं, कोई आगे पोर्ट नहीं डालते। बट इस केस में हम क्या करेंगे, कुछ अपनी कस्टमाइज पोर्ट डालेंगे जो भी हमने डिफाइन किया हुआ है। तो ये तो सिर्फ हमें पता होगा कि उस पर्टिकुलर आईपी के लिए, उस पर्टिकुलर सर्वर के लिए हमने क्या पोर्ट दिया हुआ है, ये अदर किसी पर्सन को पता नहीं होगा। तो वही चीज हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, कि बाहर से अपने सर्वर को रिमोट पे कैसे लेंगे, राइट? तो चलिए हम फायरवॉल में लॉगिन कर लेते हैं और एक पॉलिसी बनाते हैं। और सीखते हैं कि कैसे हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करें। देखिए, पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए हमने कुछ पोर्ट डिफाइन करने पड़ेंगे। कुछ पोर्ट्स मतलब कि सिंगल पोर्ट, जो भी हम अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक पोर्ट मैं असाइन कर लेता हूँ कि जो मेरा आरडीपी पोर्ट होगा, जो मैं बाहर से एक्सेस करूँगा, वो 1689 होगा, राइट? आईपी एड्रेस प्लस 1689, जैसे मैं प्रेस करूँ तब हमारा सर्वर आरडीपी पे आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको चेक करा दूं कि इसकी लैन पोर्ट की आईपी क्या है और वैन पोर्ट की आईपी क्या है। तो जब भी कभी हम बाहर बैठते हैं तो हम वैन पोर्ट को हिट करते हैं आरडीपी लेने के लिए या अपने सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारे लैन पोर्ट की आईपी क्या है और वैन पोर्ट की आईपी क्या है। तो लैन पोर्ट की आईपी आप देख पा रहे होंगे, लैन की सीरीज जो है 172.16.16.16, राइट? और जो वैन पोर्ट है हमारा 172.16.200.90 है, राइट? तो इसमें कितनी भी आईपी आप डाल सकते हैं एज पर योर आईएसपी, जितनी आईएसपी प्रोवाइड करती है आपको, वैसे बाय डिफॉल्ट 5 आईपीज होती हैं, तो 8 पूल में 8 आईपी होती हैं, बट जो दो तीन आईपी होती हैं वो बैकएंड में यूज हो जाती है, तो मैं 5-6 आईपी यूजेबल मिलती हैं, राइट? तो इस पर कितने भी आप आईपी एड्रेस ऐड कर सकते हैं, मैंने अभी एक ही आईपी ऐड करा हुआ है, ठीक है? किसी अदर वीडियो में हम सीखेंगे कि इसमें मल्टीपल आईपी एलियास कैसे बनाते हैं, ठीक है, राइट? तो अभी हमने क्या करना है, इस पर्टिकुलर आईपी पे वैन पोर्ट पे हमें अपने सर्वर को पब्लिश करना है। अब दोस्तों हमारे पास एक ही सर्वर है यही, तो मैं इसी को पब्लिश करूंगा थ्रू बाहर से, राइट? तो देख लेते हैं इसकी आईपी क्या है। तो मैं देख पा रहा हूं, तो इसकी आईपी है 16.17, ये लैन की सीरीज में है, आप देख पा रहे होंगे ये लैन की सीरीज में है, ठीक है? तो हम इसी आईपी को पब्लिश करेंगे, मतलब इसी सर्वर को हम आरडीपी के लिए बाहर से एक्सेस करेंगे। तो क्या करना हमें, रूल एंड पॉलिसी में आएंगे, क्रिएट न्यू रूल।
दोस्तों जब हम इंटरनल टू एक्सटर्नल पॉलिसी बनाते हैं, मतलब कि इंटरनेट यूज के लिए पॉलिसी बनाते हैं, तो न्यू क्रिएट न्यू पॉलिसी करते हैं। जब हम बाहर से बनाते हैं, मतलब एक्सटर्नल टू इंटरनल, अभी हम जो पॉलिसी बनाने जा रहे हैं एक्सटर्नल टू इंटरनल बनाने जा रहे हैं, राइट? तो हमने क्या करना है, सर्वर एक्सेस असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसके पहले हम क्या करेंगे, हम एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं जो भी हमने डिफाइन करा हुआ है, पोर्ट डिफाइन कर लेते हैं 1689। तो हमें क्या करना है, होस्ट एंड सर्विस में आना है। पॉलिसी बनाने के पहले बना सकते हैं या उसके बाद भी, मतलब पॉलिसी बनाते समय भी बना सकते हैं। तो मैं अभी पहले बना के दिखाता हूँ आपको। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप पहले पोर्ट डिफाइन कर लें। तो हमें आना है सर्विसेज पे। सर्विसेज में हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रख देते हैं, सेम नाम रखते हैं जो भी हमारा पोर्ट है, ओके, पोर्ट फॉर आरडीपी, और सेम पोर्ट हम यहां पे डाल देंगे, राइट? देन सेव। होस्ट भी बनाना हमें जरूरी है, जिस सर्वर को हम आरडीपी लेना चाहते हैं होस्ट डिफाइन करेंगे। तो आईपी होस्ट में आएंगे, ऐड करेंगे, और हमने कर दिया आरडीपी सर्वर। सपोज हमारा आईएस सर्वर है तो हमने क्या कर दिया, आईएस सर्वर, ठीक है, आरडीपी सर्वर है, और जिसकी आईपी है 172.16.16.17, राइट? आरडीपी सर्वर, क्लिक सेव, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, ऐड फायरवॉल रूल, सर्वर एक्सेस असिस्टेंट। अब यहां पे सेलेक्ट आईपी होस्ट, उस होस्ट को आपको सेलेक्ट करना है जिस सर्वर को आपको एक्सेस लेना है। तो हमने आरडीपी सर्वर आईएस हमने बनाया था, तो क्लिक किया हमने इसको, ये देखिए 17 आईपी है और इस सिस्टम की भी 17 आईपी है, तो इसी का हम रिमूट लेंगे, ठीक है, क्लिक नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस इट मींस कि जो आईएसपी ने आपको प्रोवाइड की है, जो वैन लिंक पे आपने पुट किया हुआ है। तो हमारे वैन लिंक पे कौन सी आईपी है, हमारे वैन लिंक पे है पोर्ट 2290, राइट? That's good. Then click next. Services. अब services कौन सी ऐड करनी है? हमें वो services ऐड करनी है जो हमने अभी अभी बनाया था। तो हमने क्या बनाया था? 1689 port. Right? बाहर से जो access होगा 1689 port होगा। तो हमने 1689 port assign किया. Sorry. 1689 apply, okay, then click next. External source network and device, ठीक है, यहां पर क्या है, एनी है। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर आईपी के थ्रू ही ये रिमोट आए हमारा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर आईपी, जो भी पब्लिक आईपी है उसके थ्रू अगर कोई बैठ के बंदा पर्सन रिमोट लेता है तभी इसका रिमोट आए, अदरवाइज किसी और जगह से ना आए, तो ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कहीं से भी हम रिमोट ले आ जाए तो आपको एनी रखनी है। अगर पर्टिकुलर रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी एक आईपी असाइन करनी पड़ेगी या बताना पड़ेगा कि कहां से आप आना चाहते हैं, राइट? तो हमने अभी एनी करना है, कहीं से भी हम एक्सेस करें सर्वर को, बैठ के एक्सेस हो जाए, देन क्लिक नेक्स्ट। ये ब्रीफ समरी है कि क्या क्या आपने बैकएंड में किया हो, अभी किया है आपने सेटिंग। इंटरनल सर्वर एड्रेस है जिस सर्वर को आप एक्सेस लेना चाहते हैं, होस्ट नेम, ठीक है,
और एक्सटर्नल पब्लिक आईपी एड्रेस हमारा 200.90 पोर्ट 2 पे है, ठीक है, और पोर्ट एड्रेस हमारा है 1689, देन सेव एंड फिनिश। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। ओके, क्रिएट नेट रूल, इट्स डन। ओके, अभी हमने क्या करना है, वापस में नेट सेटिंग में आना है, नेट रूल में, ठीक है। देखिए बाय डिफॉल्ट जो हमारा आरडीपी पोर्ट कनेक्शन होता है 3389 होता है, अभी हमने क्या किया है 1689 किया है, तो 1689 पे हमारा सर्वर तो एक्सेस नहीं होगा, बाहर से हम 1689 डालेंगे बट एक्सेस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो डिफॉल्ट आरडीपी पोर्ट है 3389 है। तो हमने क्या करना है, नेट रूल में आना है, नेट रूल में एक पॉलिसी बनी है डी नेट की पॉलिसी, डी नेट आरडीपी सर्वर, यहां पर हमने क्या करना है, देखिए ओरिजिनल ओरिजिनल सर्विस 1689 है, बट जो फॉरवर्ड होके आ रही है ट्रांसलेट सोर्स, ट्रांसलेट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन सर्वर तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, बट जो डेस्टिनेशन सर्वर का पोर्ट है ओरिजिनल की जगह, अगर आपने ओरिजिनल किया तो ये सर्विस ऑटोमेटिक मूव करके यहाँ पे आएगी, ऐसा तो नहीं है, बट यहाँ पे हमारे जो ओरिजिनल सर्वर है यहाँ पे हमने डालना पड़ेगा आरडीपी। RDP नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड, RDP होना चाहिए, एनीवे नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे हमने वहां पे ऐड किया था यहां पे हमने डालना है 3389, यहाँ पे मैं हमने डालना है 3389। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, अगर आप लोगों को कुछ डाउट लगे तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना कि ये कैसे किया, अगर कुछ डाउट है तो, ठीक है, देन सेव, मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। अभी हमने क्या दिया कि जैसे ही हम इस पोर्ट को डालेंगे आरडीपी के लिए, वो क्या करेगा, जैसे ही नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करेगा तो डेस्टिनेशन पोर्ट पे हमें 3389 पे ले जाएगा। तो हमने क्या किया, पोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया, यहां से यहां फॉरवर्ड कर दिया, ये जो पोर्ट है 1689 है बट जो हमारा सर्वर है एक्सेस होगा 3389 पे होगा, देन सेव। राइट, ऐसे ही हमें आपको एक और ये जो पॉलिसी है इसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, ओरिजिनल की जगह हमें डालना पड़ेगा 3389, क्लिक नेक्स्ट, सेव। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि हमारा सर्वर एक्सेस होता है या नहीं होता है। राइट, बाहर इंटरनेट से एक्सेस करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, 90 डालना है प्लस सर्वर का पोर्ट डालना है जो हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग करी है, देन क्लिक नेक्स्ट। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी, हम उसी सर्वर पर वापस जा रहे हैं। ये देख रहे हैं, आईपी भी दिखा रही है 172.16.200.90 और
देखते हैं कौन सा सर्वर हमारा एक्सेस होता है। सॉरी पासवर्ड डॉट स्लैश, ये देखिए हम उसी सर्वर पे वापस आ गए, राइट। और देख पा रहे होंगे आप कि 172.16.200.90 ये हमारा सर्वर है, और यहाँ भी देख लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग, अभी क्या है कि हमें सिर्फ पता है कि हमारा जो आरडीपी सर्वर है वो पोर्ट नंबर 1689 पे चल रहा है, लेकिन हर किसी को पता है कि बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है 3389 होता है। तो कभी भी ट्राई करेगा तो बाय डिफॉल्ट 3389 पे ही करेगा, पोर्ट नहीं आसान डालेगा। तो इसे कहते हैं कि पोर्ट फॉरवर्डिंग, मतलब हाइड करना पोर्ट को, पर्टिकुलर पोर्ट को हाइड करना, पोर्ट को फॉरवर्ड करना किसी अनदर पोर्ट पे, जो ओरिजिनल पोर्ट है उसको किसी अनदर पोर्ट पे फॉरवर्ड करना। तो इससे हमारा सर्वर सिक्योर हो जाता है, वो जो पोर्ट है सिर्फ हमें पता है और अनदर पर्सन को नहीं पता है कि हमने जो आरडीपी दिया है वो 1689 पे दिया है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है, पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू कैसे अपने सर्वर को सिक्योर कर पाएंगे हम। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।